हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अभी फिलहाल लगभग 9:30 हो चुके हैं और उठा हूँ। अभी मम्मी को बोला है कि चाय बना लो, चाय बनाएगी मम्मी, चाय पीते हैं। और यार फिर से कूलर ख़राब हो गया है और बाहर का सीन तो आपने देख लिया कैसा हो गया है। जस्ट उठा हूँ, उठते ही पता चला कि बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। अभी पापा जी फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, आई होप कि ठीक हो जाए। ये रात को ख़राब हो गया था, पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा मेरे को। टाइम हो चुका 11 बज चुके लगभग और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी भी फिलहाल। आ तो नहाने का मौका चूक गए हम। अभी अगर नहाने के लिए निकलूँगा तो पता नहीं कब से बंद ना हो जाए, तो नहीं निकल रहा। और ये देखिए, सो एक बार फिर से हमने शिफ्ट कर लिया हमारे गोप्रो पर, जिससे कि हम वाइड शॉट ले सके। और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, तो मेरे को अंदर तो लग रही थी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है और इससे ना काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं। और मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। इसकी साउंड मैंने आपको बताया कि माइक के बगैर है वो अच्छी नहीं आती है, और माइक अभी कनेक्ट करना सीखा हूँ मैं। पहले तो माइक ही कनेक्ट नहीं होता था, तो मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है और काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं इससे अभी। तो ऐसे भी वीडियो बना सकते हैं हम, कि मैं पहले सोचता था, ये बात रियलिटी है कि मैं पहले सोचता था कि DSLR की ज़रूरत होती है अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए, लेकिन नहीं भाई, आप बना सकते हो, आप में टैलेंट होना चाहिए। और ये चीज़ें अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। और बारिश है वो तेज़ है यहाँ पर, अगर अंदर की साइड खड़ा होकर मैं देखूँ ना तो नहीं पता चलेगा इतना, लेकिन सच बात ये है कि बारिश तेज़ है। देखिए मैं एक दो शॉट और दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और पानी में देखिए कितनी ज़्यादा बूंदें आपको दिख रही होगी, और असली जो पता है वो पानी में ही चलता है बारिश का। वो आगे भी आपको दिख रहा होगा कि बारिश आ रही है। और ये देखिए पापा जी ने ये कुछ बनाया था आज, और ये यहाँ पर बनाए थे कुछ, वो ढक दिए हैं ताकि ख़राब ना हो। और इस तरह के कुछ फर्मे वगैरह होते हैं बनाने के लिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमारा काम है वही बताऊँगा। तो इस एक्शन कैमरे का एक फ़ायदा है कि मेरे को है ना नॉन स्टॉप वीडियो बना सकता हूँ मैं बारिश में भी, क्योंकि ये थोड़ा वाटरप्रूफ है, ज़्यादा नहीं है। इसका केसिंग मैंने नहीं लगा रखा है क्योंकि वॉइस की दिक्कत होती है, वरना मैं माइक नहीं कनेक्ट कर सकता इससे। ये देखिए, ये इस तरफ काफ़ी हरियाली हरियाली दिख रही है इस तरफ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को वीडियो शूट करने में। और इस तरफ बादल है भाई। तो अभी चलते हैं वापस घर पे, बारिश तेज़ है, भीग गए हूँ वैसे मैं। नहाने वाली बारिश नहीं है, वरना तो नहाते ही इंजॉय करते। मेरी जो चश्मा है वो भी पानी से भर गई भाई। ये पता नहीं क्या कर रहा है बंदर, कुछ बोलना है? ओके गाइस, नाउ लगभग 2 बज चुके हैं दोपहर के, और बारिश स्टिल अभी भी आ रही है। ज़्यादा तो नहीं आ रही है, थोड़ी आ रही है, मतलब कुछ बूंदाबांदी सी हो रही है। तो आज प्लान था मेरा कि बारिश रुकेगी तो भादरा जाऊँगा, कोई ऐसा काम है जो कि फ़िलहाल मैं रिवील नहीं कर सकता, बाद में प्रॉब्लम होगी यार, मज़ा ख़त्म हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा मज़ा उस बात का। बारिश रुक गई है, देखते हैं क्या कुछ प्लानिंग रहती है। कार्तिक तो बोला चलते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं कल के व्लॉग में इंक्लूड कर दूँगा, क्योंकि ये व्लॉग है वो आएगा लगभग 29 को, और वो जो कल व्लॉग आएगा वो आएगा 30 को। तो 30 को मैं रिवील कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, ये आज जाएंगे या कल जाएंगे। लाइट नहीं है, ये भाई साहब आ गए हमारे घर पे डिस्टर्ब करने। मैं यहाँ पर फाइल बना रहा था बैठे बैठे, फ़ोन चार्ज लगा दिया है भाई, लाइट नहीं है, फ़ोन चार्जिंग ज़रूरी है। कैसा फील हो रहा है भाई, लाइट नहीं है? जमा। ओम शांति ओम। भाई इसका तो एक ही डायलॉग फेमस है, जमा कति जहर ओम शांति ओम। ये नया है, ये भी मैंने दिया, इसने नहीं बोला है। तो अभी संदीप आ रहा है, उसके साथ चलेंगे, और फाइल्स भी लेके आनी एक दो। तो चलिए मौसम का भी मजा लेते हैं, फाइल भी ले आते हैं। ओके, फिलहाल के लिए फाइल तो ले ली है, मैं कार्तिक और संदीप आए हैं। और ये सरकारी स्कूल अभी हमारे गाँव का, जो मैंने आपको दिखाया ना काफी बार वीडियो में, और देखिए काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और इस तरफ हमारे एग्जाम होते, चलिए आगे चलते हैं, दिखा के लेके आता हूँ आज आपको, आया हूँ तो। और जो हम ग्राउंड में आए थे ना, वो ग्राउंड इसके पीछे है, आगे जा रहे हैं, और यहीं पर वैक्सीन भी लगती है, क्योंकि काफी बड़ा है स्कूल, आगे भी है। और इस तरफ जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा बोर्ड, दिखाता हूँ जूम करके, ये थोड़ा सा जो बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे बनाया गया स्टेशन। ये है भाई हॉल, और काफी हरियाली है यहाँ पर, गैलरी। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही गैलरी।
जहाँ पर एग्जाम होते हैं हमारे, ये हॉल है ना यहाँ पर, तो कुछ ऐसा सीन है हमारे गांव के स्कूल का। और अभी बस चलते हैं, ये दोनों वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो 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 घर पे जाना है। और काफी अच्छा है इस कैमरे का है ना, इस मोबाइल के कैमरे का भाई व्यू है ना, मतलब कलर वगैरह करेक्शन काफी अच्छा है, मेरे को काफी ज्यादा प्यारा लगता है, काफी ज्यादा प्रीमियम है। तो अभी बस इन फाइलों को लेके जाएंगे, ये संदीप बनाएगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा, संदीप हेल्प कर रहा है मेरी, क्योंकि बोला कि वीडियो वगैरह बनाते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बगीचे वगैरह हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ है एक, ये रहा और ये एक इस तरफ है। काफी बड़ा स्कूल है बादरा तहसील का, सबसे बड़ा स्कूल है ये। बस ये बातें कर रहे हैं, अभी स्टिल चलते हैं। एक गार्डन इस तरफ भी है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा एक्शन कर रहा है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, इसको एक तो पड़ी है और एक और पड़ेगी अभी। मार मार संदीप मार दे। हो गया, तो फिलहाल लोग चार बज चुके हैं, अभी जाना है बादरा, मैंने आपको बताया काम है और बारिश रुक गई है, पापा जी और मम्मी से परमिशन मिल गई है, अभी जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं बादरा किसी काम से, काम आपको आगे जाकर पता चलेगा कि क्या काम है। ओके गाइज, आई नो दैट कि आप ये जानना चाहते हो कि मैं बादरा क्यों गया था, वो थोड़ा सा सीक्रेट काम है जो कि आपको 4 से 5 दिनों बाद जो व्लॉग आए उसमें देखने को मिल जाएगा, विद जर्नी और सारा काम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए सॉरी मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा सकता। जी हाँ, मैंने बता दिए और अगर मैं दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं बादरा के आने के बाद को आपको शॉर्ट दिखाऊंगा और उस व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो। ओके, तो फिलहाल के लिए घर पे आ गए हैं और अभी बस खाना खाते हैं। बारिश काफी ज्यादा हो गई थी तो पैर वगैरह भी अजीब से हो गए हैं, मतलब बिल्कुल गंदे हो चुके हैं। तो अभी खाना खाऊंगा और फाइल का बचा हुआ काम करूंगा। तो फिलहाल के लिए 10 बज चुके हैं और खाना खा के आ गए हूँ और अभी लेके आये हूँ नाशपाती, ये खा रहा हूँ भाई। खाना काफी ज्यादा टेस्टी बन रखा था आज, तो दादा खा गया थोड़ा, तो पचाने के लिए मैं हाजबोला भी लेके आया हूँ। अभी आप ये बोलोगे क्या बता रहा है भाई, ये अभी क्या स्टार्ट कर दिया नया? तो भाई फैमिली स्टाइल व्लॉग है और सब कुछ जो करता हूँ वो बता देता हूँ। तो अभी बस ये भी बताना स्टार्ट कर दिया, अभी क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है जिंदगी में। तो अभी बस वीडियो को एडिट करना है, लेकिन अभी ना थोड़े ये मच्छर से आने लगे हैं रूम में जो बारिश के बाद आते हैं, तो देखते हैं कैसे क्या कुछ रहेगा। अभी तो 10 बज चुके हैं, तो 1-2.5 घंटे में एडिट होके अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो अभी बस एडिट करता हूँ, पहले नाशपाती खत्म करूंगा फिर एडिट करूंगा। और मैं मिलता हूँ आपको कल नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, और मेरे को डायग्राम्स वगैरह भी बनाने हैं तो लेट ही हो जाऊंगा, तो पहले एडिट कर लेता हूँ और करते हैं हम कुछ नया धमाल कल भी। तब तक के लिए खुश रहें, समझ रहे, मस्त रहे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बारिश में कहीं पे बाहर ना जाए भाई, दिक्कत होगी।